वो हम डिफरेंट मसल्स यूज पढ़ेंगे, जैसे नेक, फेस, बैक, आर्म्स, लेग्स वगैरह के। इसमें फेस एंड नेक मसल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम जो बाकी बॉडी के मसल्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो मस्कुलर सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 600 स्केलेटल मसल्स एक्सक्लूडिंग द कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें, एंड मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स, यानी इस फील्ड को हम मायोलॉजी कहते हैं। और अ स्केलेटल मसल इज कम्पोज ऑफ बोथ मस्कुलर टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू, दोनों होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस, मूवमेंट है, स्टेबिलिटी है, कम्युनिकेशन करता है यानी फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह, बॉडी लैंग्वेज सारे के सारे मसल के थ्रू है, कंट्रोल ऑफ द बॉडी ओपनिंग्स एंड पैसेजेस मसल्स हैं, हीट प्रोडक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम, थर्मोजेनेसिस करवाना। फिर अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, तो देर आर फोर प्रॉपर्टीज दैट एनेबल इट टू फंक्शन। एक तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टिलिटी यानी पूरी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज की टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम एंडियोमाइसीम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द फेसिकल, की एक मसल होता है, उस मसल के अंदर इस तरह अगर हमारे पास एक मसल है तो उसमें छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, जो छोटे छोटे बंडल्स हैं मसल फाइबर्स के, दैट आर कॉल्ड एज द फेसिकल, यानी उसको हम फेसिकल कहते हैं। फिर पेरीमाइसियम, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। इसके अलावा एपीमाइसियम ऑलरेडी डिस्कस्ड है। फेशिया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट रैप्स अराउंड द ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है, तो उसको हम फेशिया कहते थे। फिर अब हम देखते हैं हाउ टू नेम द मसल्स, के हम मसल्स को डिफरेंट नेम किस तरह देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकेशन है, लोकेशन की बिना पे देखा जाए तो चेस्ट पे है तो पेक्टोरेलिस है, आर्म पे है तो ब्रेकियाए है। फॉर पेक्टोरेलिस मेजर जो कि चेस्ट का हो गया, बाइसेप्स ब्रेकियाए जो कि आर्म्स का हो गया। साइज में देखा जाए तो एक सम मैक्सिमस दैट मीन्स द लार्जेस्ट, और मिनिमस मीन्स द स्मॉलेस्ट, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस। फिर लॉन्गस यानी कि लॉन्ग, ब्रेवियस यानी कि शॉर्ट, यानी एबडक्टर लॉन्गस, एबडक्टर ब्रेवियस, लॉन्ग और शॉर्ट। फिर लेटिसमस दैट मीन्स द वाइडेस्ट, एंड लॉन्गिसमस मीन्स द लॉन्गेस्ट। फिर मैग्नस लार्जर, लार्जर मेजर भी लार्जर, माइनर स्मॉलर, वेस्टस ह्यूज, जैसे वेस्टस लेटिरालिस, इसी तरीके से पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर, फिर लॉन्गिसिमस कैपिटस और एबडक्टर मैग्नस। अच्छा अगर हम बात करें कुछ मसल्स की, जो फेशियल मसल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड है, फ्रंटालिस, ऑर्बिकुलरिस, लिवेटर, मैसेटर ऑर्बिकुलरिस, ऑरिस, बकिनेटर, जाइगोमेटिकस, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारे पास, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड दीज मसल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज द बैक मसल्स, दैट इज द आर्म्स मसल्स जो कि हमने देखने हैं, और जो लेग के मसल्स हैं जैसे कि डेल्टॉइड, बाइसेप ब्रेकियाए, ट्राइसेप ब्रेकियाए, प्रोटोनेटर, सुपिनेटर, इसके अलावा सर्टोरियस, पॉपलीटियस, बाइसेप फीमोरिस, क्वाड्रिसेप फीमोरिस, ग्रेसिलियस, पेक्टिनियस, दीज आर द मसल्स। अगर आप मसल्स ऑफ द बैक देखते हैं, जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं दैट इज द सुपीरियर नेजल लाइन, यानी यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज एक मसल है, फिर पोस्टीरियर ट्रेपीजियस मसल ऑलरेडी डिस्कस्ड है जो कि नेक के मसल्स में आते हैं, दैट इज द ट्रेपीजियस मसल। इसके अलावा इन्फ्रास्पाइनस फेशिया, ये आपके पास एक मसल यहाँ पे, तो देर आर लॉट ऑफ मसल्स। इरेक्टर स्पाइन यहाँ पे है, फिर इरेक्टर स्पाइन एक यहाँ पे भी सेम ही मसल कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप देखते हैं ये थोड़ा क्लोजअप में, दिस इज कॉल्ड एज द, ये मसल आप देखें तो ये पूरा का पूरा मसल्स हमारे पास है जो कि नेक मसल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एब्डोमिनल मसल में आ जाए तो रेक्टस एब्डोमिनस, दिस इज द मसल। फिर टेंडिनिस इंस्क्रिप्शंस, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लीक और एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लीक, यानी कि ये ऑब्लीक मसल्स हैं और ये रेक्टस हैं, ये टेंडिनस है, तो ये सारे के सारे जो हैं मसल्स ऑफ द एब्डोमिन हो गए। फिर अब ये आप देखें सीरेटस एंटीरियर, यानी कि जो यहाँ पे मसल्स है, फिर उसी के नीचे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लीक, इस तरह के ऑब्लीक मसल्स आपके। फिर रेक्टस एब्डोमिनस जो इस तरह लॉन्गिट्यूडनल है, ये वाले, ये दीज आर द रेक्टस एब्डोमिनस। फिर जो ऑलरेडी आपके पास डिस्कस्ड है मसल्स ऑफ द फेस, ऑफ द ऑक्सिपिटो फ्रंटालिस वगैरह, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नेक मसल्स में देख लें तो ये देखें आप स्प्लेनोप्लेटोमास्टॉइड हमारे पास मसल था, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, और ट्रेपीजियस मसल जो कि यहाँ पे हमारे पास बैक में आता था, ट्रेपीजियस ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अच्छा मसल्स ऑफ द आर्म,
अगर हम आर्म की बात करें तो डेल्टॉइड जो ये जो बड़ा सा मसल हमारे पास होते हैं जिसमें ये वाला दैट इज कॉल्ड एज द डेल्टॉइड, फिर पेक्टोरलिस मेजर उसी के साथ कंटिन्यूड है पेक्टोरलिस मेजर वन ऑफ द बिग मसल्स, फिर कोरेको ब्रैकियालिस छोटा सा मसल है, फिर बाइसेप्स यहाँ पे है ब्राइसेस ब्रैकियाई दैट इज द बाइसेप्स, फिर बाइसेप्स शॉर्ट हेड है, फिर ब्रैकियालिस मसल आते हैं और लैटिसिमस मसल आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद ट्राइसेप्स ब्रैकियाई यानी कि अगर आप अपोजिट साइड पे देखें फिर बाइसेप्स ब्रैकिया ट्राइसेप्स ब्रैकियाई आ गई साथ में, फिर जो फोर आर्म एक्सटेंसर मसल्स हैं ये सारे के सारे दीज आर द एक्सटेंसर्स, फिर फ्लेक्सर्स दीज आर द फ्लेक्सर्स मसल, फिर रिस्ट के भी एक्सटेंसर्स और रिस्ट के भी फ्लेक्सर्स हैं। एंटीरियर व्यू ऑफ द लेग, अगर आप लेग मसल्स की बात करते हो तो लेग में आपके पास देर आर लॉट ऑफ मसल्स प्रेजेंट जस्ट लाइक द बोन इज पैटेला और पैटेला के साथ पैटेलर लिगामेंट होता है यहाँ पे, तो आप देख लें इलियोप्सिस मसल इज प्रेजेंट, फिर टेंसर फेशिया लेटी मसल्स, सर्टोरियस मसल, वेस्टस मसल, इलिबो इलॉयटिबियल ट्रैक्ट यहाँ पे मौजूद है, फिर ग्रेसिलस मसल्स, एबडक्टर लॉन्गस मसल, रेक्टस फिमोरस, वेस्टस मीडियलिस, देर आर अ लॉट ऑफ मसल्स दैट आर कॉल्ड एज द स्केलेटल मसल्स, वो सारे के सारे मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं दैट आर कॉल्ड एज द स्केलेटल मसल्स ऑफ द लेग। फिर हमारे पास पोस्टीरियर लेग मसल्स वो अलग से हैं, जैसे इलियक क्रेस्ट के बाद जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल वन ऑफ द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी ग्लूटियस मैक्सिमस, फिर इसी तरह टिबियल नर्व आती है यहाँ पे और प्लैंटर प्लैंटरिस टेंडन है, टिबियल नर्व कंटिन्यूड है, अगर याद देखिए सोलियस मसल, फिर गैस्ट्रो नीमियस मसल, आपने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे जो है स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं, देर आर अबाउट 600 मसल्स ऑफ आवर बॉडी, बहुत सारे मसल्स होते हैं, लेकिन हम इसे ना मेजर मेजर अगर नर्सिंग के हवाले से देखा जाए तो मेजर मेजर मसल्स जो है हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक एक जस्ट ओवरव्यू था हमारे पास मस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी का।